हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आज इंडोर गार्डन मैंने जो चेंज कर दिया है, और चेंज करने का रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, पानी कौन सा पौधा ज़्यादा लेता है, कौन सा पौधा पानी कम पीता है, दोनों पे ही वो करता है। तो मेरे कुछ प्लांट नीचे थे, तो फ्रेंड्स पानी से उनको गलने लगे थे, पत्तियाँ बिल्कुल है ना जो पीली पड़ने लग गई थी। और अगर एक दो दिन और वो पौधे मेरे नीचे रह जाते ना फ्रेंड्स, तो वो पौधे मेरे बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। इसलिए मैंने आज इंडोर गार्डन को थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखिए, उधर टेरेस उधर ये जो बालकनी है, उसमें कुछ प्लांट मैंने रख दिए हैं, तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो इंडोर गार्डन है, इनमें क्या गर्मी की वजह से मैं सुबह शाम है ना पानी का शावर दे रही थी। तो मेरा एक प्लांट है, वो काफ़ी सारा फैला हुआ है मेरे इस गार्डन में। तो फ्रेंड्स, उस प्लांट को है ना ओवर वाटरिंग से फ्रेंड्स नुकसान होने लग गया था। तो मैंने आज इस गार्डन के अंदर ने जो काफ़ी चेंज किया है, जो मेरा सबसे फेवरेट प्लांट था, वो स्पाइडर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नीचे ये रखा हुआ था, मैंने पौधों के साथ नीचे रख रखा था, तो फ्रेंड्स इसकी पत्तियों पर रहने जो गलने लग गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। तो मैंने आज इंडोर गार्डन में सारे जितने मेरे स्पाइडर प्लांट थे, मैंने ऊपर की जो मेरी ये बालकनी है, जैसे ये खिड़की बोला जाता है, तो सारे ही प्लांटों को मैंने खिड़की में रख दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ओवर वाटरिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अभी चल रही है गर्मी, तो फ्रेंड्स मेरी जो मनी प्लांट का कलेक्शन उधर ज़्यादा है, तो मैं सुबह शाम शावर भी देती हूँ, तो फ्रेंड्स इस वजह से इनको नुकसान होने लग गया था। तो मैंने आज इनको सारे ही है ना, देखिए मैंने सब इनको डोली पर रख दिया है, इस वाली पे, क्योंकि इनको धूप, थोड़ी सी ब्राइटनेस और थोड़ी सी इनको पानी से ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, तो इसलिए इनको ऊपर रखना पड़ा। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो होने वाला पौधा है, वैसे इसकी कोई खास केयर नहीं है, बस ये कि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी गार्डन की शोभा इसी पौधे ने बढ़ा रखी है। और मात्र मेरे पास दो ही पौधे थे फ्रेंड्स, जिससे मैंने ढेर सारे पौधे बना लिए हैं। और ये देखिए पत्थर छिटा है, और ये कुछ मैं यहाँ से कटिंग लेके गई थी, तो उनमें भी नई नई ग्रोथ निकलने लगी है। देखिए यहाँ से मैंने कटिंग करी थी, तो देखिए नई ब्रांच निकलने लगी है। और ज़्यादातर जो पौधे हैं फ्रेंड्स, एक से मतलब मल्टीप्लाई होने वाले पौधे हैं, तो देख लीजिए थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, और इससे मेरे पौधे बिल्कुल सेफली हो चुके हैं। थोड़ी सी क्या है कि पौधों को देख रेख करना पड़ता है। और इधर देखिए लिली है, तो लिली भी मैंने गांव में भी लगा रखी है, थोड़ी बहुत यहाँ लगाई है, तो देखिए अच्छे से चल चुकी है, नई नई ग्रोथ इनमें हो गई है। और ये देख लीजिए, ये है मेरा कलांचू, ये है मेरा जेड प्लांट, तो फ्रेंड्स अभी लेके आई थी इसकी कटिंग, तो देखिए थोड़ा बहुत धीरे धीरे से चलेगा। और ये देखिए कलांचू है फ्रेंड्स, ये है कि साल भर में 4-5 महीने ही फ्लावरिंग करता है, इस वजह से मैंने इनको इधर साइड में रख रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब गार्डन बनता है तो हर पौधे की देख रेख करनी पड़ती है। तो बस यही है कि मेरे गार्डन का सबसे फेवरेट प्लांट मेरा यही है, स्पाइडर प्लांट। और ये जैसे फ्रेंड्स इसको हैंग करते हैं, तो ये पप्स निकलते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। थोड़ी सी क्या है कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे पौधे बिगड़ने लग गए थे, तो मैंने सुधार कर लिया है। और देखिए कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और ये पूरे ही वो मतलब दो पौधों से मेरे पूरा घर है ना स्पाइडर प्लांट से भर गया है। तो ये देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं टेरेस गार्डन में। टेरेस में ज़्यादा प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, सारे प्लांट मैंने गांव में शिफ्ट कर दिए हैं। थोड़ा बहुत पौधे मैंने रख रखे हैं, क्योंकि यहाँ भी पौधे होने ज़रूरी है। तो ये देखिए पर्सलिन और फॉर्चुला है। तो फ्रेंड्स अभी ये गर्मी का टाइम चल रहा है, तो फ्रेंड्स अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए फ्रेंड्स आप अपने फॉर्चुला और पर्सलिन लगा सकते हैं। तो मेरे ये शमी का पौधा लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर है ना जो अपने आप से बीज डल गए थे, तो देखिए फ्रेंड्स मेरे काफ़ी सारी इसमें फैली हुई है ये मॉस रोज। तो मैंने इसको उखाड़ लिए, और उखाड़ कर फ्रेंड्स मेरे पास में गमले खाली हो चुके हैं, तो मैंने सोचा जाए कि इसको लगाया जाएगा, तो मैंने ले लिए इसको, देख लीजिए, और जड़ समेत ही ले लिए निकाल लिए, क्योंकि एक पौधे के अंदर अगर काफ़ी सारे पौधे रहते तो उसकी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। और ये देखिए इधर मेरा पुदीना लगा हुआ है, और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिलते हैं। और ये गमला मेरा खाली हो गया है, देखिए गमला मैंने भर कर रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स इसको आप जड़ समेत भी लगा सकते हो, और इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। तो पहले तो मैंने इसकी यानी जो जड़ समेत इनकी ब्रांच को नीचे दबा दिया है 2-2 इंच, और 2-2 इंच दबाने के बाद में कभी इनकी जो शाखाएं काफ़ी लंबी लंबी हो रही थी, तो फ्रेंड्स मैंने इसी में से कट कर इनकी दूसरी जो कटिंग है इसमें 2-2 इंच उनको भी मैंने लगा दिया है। और इसी के अंदर मिक्स कर मैंने पर्सलिन भी लगाई है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करने लगी थी। तो इसी में से देख लीजिए ये ब्रांच मैंने कट कर ली है,
तो एक ही ब्रांच में से आप दो दो लगा सकते हो, और इसकी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। बस ये कि एक दो दिन आपको इसको छांव में रखना है, फिर बाद में ये अच्छे से लग जाती है। तब आपको इसको दिन भर की धूप में रखोगे तो फिर काफ़ी अच्छी इसकी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फ्रेंड्स जब सबसे जल्दी फैलता है, और ये देखिए अगले दिन की क्लिप है, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये है मेरा चंपा का पौधा, तो फ्रेंड्स ये मेरे डोली पर रखा हुआ था, तो मैंने वहाँ से इनको उतार लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स सारे पौधों की केयर मुझे करनी पड़ रही है अभी, क्योंकि ज़्यादा धूप में पौधे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं देखिए मैंने इनको नीचे ले आऊँ। और ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने ये जो मॉस रोज है वो रखा हुआ था, तो मैंने इस गमले के अंदर डाली है मिट्टी, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने जो कुछ पौधे इसमें से निकाल कर इसमें शिफ्ट करना चाह रही हूँ, तो देख लीजिए ये मैंने निकाल ली है। तो देखिए फ्रेंड्स इस गमले में मैंने फोर्चुला और पर्सलिन दोनों ही लगाई है, और मेरे पास में क्या है कि फ्रेंड्स जो जितने गमले खाली हुए थे उनके पौधे मैंने गांव में लगा दिए हैं। अब इनमें ढेर सारा मैं फ्रेंड्स मैं कुछ कुछ लगाना चाह रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे एक ही गमले के अंदर रियो प्लांट है, और पर्पल हार्ट है, तुलसी जी है, सदाबहार का है, तो फ्रेंड्स इसमें से मैंने एक विंगा है सदाबहार का उसको निकाला है, पर्पल हार्ट की कटिंग है जो वो भी निकाली है इसके अंदर से, और थोड़ा सा इसमें ना घास फूस कुछ ज़्यादा हो रहा था तो उनकी पत्तियों को निकाल दी है, क्योंकि अभी मेरे पास में जितना भी कलेक्शन है फ्रेंड्स सबको सुधारने का टाइम आता है, तो मैं मेरे यहाँ पर भी जितना भी पौधे हैं उनको भी मैं मतलब अच्छे से कर कर और यहाँ भी एक गार्डन और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो इसमें से है ना मैंने सदाबहार का निकाल लिया है, और ये देखिए अब इसमें से निकाल कर और काफ़ी सारा इसमें से है ना जो बोट लिली है ये रियो प्लांट है, बीच में से इसमें से काफ़ी सारा कचरा निकला था, तो ये देख लीजिए मैंने इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स जितना भी कलेक्शन है मैंने किया है अभी पर्सलिन फॉर्चुला का ही लगाया, और पुराने गमलों में जितना भी खरपतवार था वो हटा दिया है मैंने। और ये देखिए दूसरा वाला नेक्स्ट गमला आपको सामने दिख रहा है, तो इसमें भी मैंने पर्सलिन फॉर्चुला और एक सदाबहार का था विंगा का वो व्हाइट वाला उसमें शिफ्ट कर दिया है, और फ्रेंड्स मैं सूट नहीं कर पाती हूँ इतने सारे क्योंकि मैं अकेली ही काम करती रहती हूँ इस वजह से। तो देख लीजिए ये थोड़ा बहुत है जितना भी ये मेरा गार्डन ऊपर का टेरेस का थोड़ा सा इसको भी बढ़ा रही हूँ मैं, नीचे मेरे इंडोर प्लांट काफ़ी सारे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स तो सब लगा दिया है, और देख लीजिए ये एक दो दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे लगते हैं ये, तो गर्मी के अंदर सबसे खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स अपने गार्डन में। तो अभी तक आपने पर्सलिन और फॉर्चुला नहीं लगाया तो लगा लीजिए फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे इनके फूल लगते हैं, और बस यही है कि इनमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप है ना जो एक बार गोबर के कंडे की खाद है वो गला के डाल सकते हैं, अभी ठंडी खाद वही है वर्मी कंपोस्ट का डाल सकते हैं। और ये देखिए मेरी मिर्ची का प्लांट है काफ़ी अच्छी, इसमें मिर्चियाँ लगी हुई है, इधर गुड़हल का है और इधर शमी का है, और ये मीठा नीम है, तो ज़्यादा पौधे तो नहीं है फ्रेंड्स जितने भी है उनकी मैं केयर अच्छे से कर लेती हूँ। और ये देखिए ये है मेरा चंपा का पौधा, तो फ्रेंड्स ये भी मेरा डोली पर रखा हुआ था, अब मैंने डोली पर से इसको उतार लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर कुछ और चीज़ शिफ्ट कर दी है, और इसके अंदर विंगा का लगा हुआ है, और फ्रेंड्स इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ है बहुत शानदार, और आगे जाके जैसे ही इसमें फ्लावर आएंगे मैं आपको इसका अपडेट भी दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे टेरेस गार्डन में भी अभी तक है थोड़े बहुत प्लांट हैं, जितने भी हैं उनको मैं अच्छे से केयर करती हूँ, और अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब घर में प्लांट रहते हैं तो। और देखिए शमी का फ्रेंड्स शमी में इसे भी मैं एक कटिंग गांव में ले जाके लगा दी है, ये गुड़हल है, गुड़हल के भी मैं यहाँ से ले गई हूँ गांव के अंदर। और फ्रेंड्स टेरेस गार्डन में मैंने ना जो पर्सलिन और फॉर्चुला की कटिंग लगाई है, क्योंकि फ्रेंड्स ये गर्मी का सबसे फेवरेट प्लांट है, और ये है कि छोटी सी छोटी कटिंग होती है उससे ये है ना जो लग जाता है हरा भरा हो जाता है। और फ्रेंड्स अभी फिलहाल क्या है भीषण गर्मी हो गई है तो अभी सब्जियां बगीचियां नहीं लगा सकते, तो थोड़ा बहुत यही है कि गार्डन को कैसा हरा भरा रखा जाए, तो फ्रेंड्स पर्सलिन और फॉर्चुला की कटिंग लगाई है, तो मॉर्निंग की मैं क्लिप लगा दूँगी और ऊपर का थोड़ा सा अपडेट है वो भी आपको दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स यही है, और अभी गाँव में फ्रेंड्स एक दो दिन और नहीं जाऊँगी, दो चार दिन बाद में मैं गाँव जाने वाली हूँ, तो जैसे ही जाऊँगी गाँव में फ्रेंड्स वहाँ का अपडेट आपको दिखाऊंगी जरूर से। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ बैठ कर मुझे इतना सुकून मिलता है, यही है कि फ्रेंड्स कौन सा पौधा कौन सा पानी मांगता है, तो ये जैसे आप केयर करते जाओगे जैसे आपको पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है कि जब तक अपने हाथों से नहीं करेंगे तब तक अपन को नहीं पता चलेगा। तो फ्रेंड्स कुछ रोज़ ही सुबह अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, और क्योंकि फ्रेंड्स वो पौधे गलने का रीज़न ये भी था क्योंकि अभी है ना जो भीषण गर्मी हो रही है, तो इस वजह से सुबह शाम मैं पानी को शावर दे रही हूँ। शावर देने से क्या है कि फ्रेंड्स ये तो इन ये पौधे तो सहन कर लेते हैं, और जो स्पाइडर प्लांट है वो सहन नहीं कर पाता, इसी वजह से मुझे ये चेंज करना पड़ा है। तो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पौधा ही इतना ही पानी मांगे, हर पौधे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने ना जो आज चेंज कर दिया है, और
करते हैं, मतलब जब कोई पौधे को कुछ बीमारी होती है तब उसको अपन चेक करेंगे तभी पता चलता है। तो फ्रेंड्स यही है, एक बार और आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये वाला पोट में मैंने लगा रखा है स्पाइडर प्लांट, तो इसमें क्या है कि ये एक तो बड़ा वाला पौधा है और इसके बगल में ये चारों है, तो ये क्या है मिट्टी जल्दी मतलब पानी जल्दी से सोख लेते हैं तो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और ये देखिए ज़्यादा वादा कलेक्शन है नहीं है मेरे पास, थोड़ा बहुत है जो ये आपको मैं दिखाती रहती हूँ। और ये देख लीजिए मेरा पाम वगैरह है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और फिर सुबह शाम मैं शावर दे रही हूँ इनके अंदर। और ये देखिए क्रोटोन में, ये देखिए नई ग्रोथ अब निकलने वाली है। बस ये कि टाइम पे आपको पानी डालना है और ध्यान रखना है फ्रेंड्स सभी पौधे, जैसे पानी नहीं पीते और कौन सा पौधा कौन सा पानी पीता है ये ज़रूर ध्यान रखना। और ये देख लीजिए आप, और आगे दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स इनके अंदर भी कुछ मैंने अलग अलग चेंजिंग किए हैं। ये देखिए नई लीव निकल चुकी है, ये देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, सब में ही मैंने काफ़ी वो चेंजिंग करी है। और फ्रेंड्स कुछ कटिंग मैंने ये लगाई है यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए ये घना सारा हो ही रहा है। ये देखिए इधर ये वेल है, इसको मैंने डोरी की सहायता से ऊपर चढ़ा रखा है। ये देखिए ये ऐसे ऐसे करके, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है, आज का वीडियो में यही है कि कौन सा पौधा कितना पानी पीता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी पौधे एक जैसे पानी पीते हो। तो फ्रेंड्स यही है कि आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, बाय बाय।